अब आ जाते हैं जी यहाँ पे मेरे पास डिक्रीज इन रेंट और एक है इंक्रीज रेंट। ये इस हिस्से की बात कर रहा है, ये डेंटेशन जो रेंट कहते हैं जी, साफबंदी किसी भी चीज़ को आइडेंटिटी कर देना, शनाख्त में ले आना, रेंट साफबंदी। अब यहाँ देखें, ये मैं कमांड अप्लाई करूँगा तो आप गौर करें कि इसमें कोई इफेक्ट जो है वो काम नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी डिक्रीज है, ज़ीरो से शुरू हो रहा है ये। अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा तो अब आप देखें फ़र्क, सिस्टम इंक्रीज कर रहा है पूरे पेज पे, अब डिक्रीज वैलिड हो जाएगा। वो देखें मैं जैसे सेट करना चाहूँ, ये देखें जी ज़ीरो पे। ये काम आप यहाँ से भी पकड़ के सेट कर सकते हैं, लेकिन इसका ये फ़ायदा होगा कि वहाँ कमांड के ज़रिए जब मैं कर रहा था तो दोनों मेरे पैराग्राफ यानी पेज पे इफेक्ट आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जहाँ कर्सर होगा सिर्फ उस पैराग्राफ पे इफेक्ट आएगा। ये देखें जी कि मैं, आप देखें अब नीचे वाले पे भी इफेक्ट जा रहा है उसके हिसाब से मैं जितना सेट करना, ये देखें सेट हो गया, ये बराबर हो गया यहाँ से। लेकिन अगर आप यहाँ से करेंगे तो फिर कर्सर की पोजीशन यहाँ, तो दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लें उसके बाद आप इसकी सिलेक्शन दे सकते हैं। अब आ जाता है जी यहाँ पे, ये है जी लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये मैं हाईलाइट करता हूँ जी इनको, सबसे पहले तो मैं ये नंबरिंग भी ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ये डिक्रीजमेंट भी ख़त्म कर रहा हूँ जी। ये मैंने क्लिक किया तो सिस्टम उसे डिक्रीज करता जा रहा है और ये लास्ट जहाँ से मार्जिन शुरू हो रहा है वहाँ पे लाके सेट, अब नहीं होगा क्योंकि सेट हो गया। तो यहाँ ये है जी कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, देखें लाइनों में वर्टिकली वक्फा आ रहा है। ये देखें जी मैं जिस पे जाऊँगा, आम तौर पे ये वन लाइन स्पेस पे होता है, लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहें वो वन एंड हाफ लाइन करना चाहें तो देखें ये लाइनों में वक्फा दे दिया उसने। अब मैं यहाँ पे इसको अगर अलग अलग सेट करना हो, ये मुझे लाइन में वक्फा नहीं दरकार, तो आप देखें कि इनमें स्पेस दो लाइनों में, तीन लाइनों में फ़र्क है, लेकिन ऊपर वाले में जो मैंने सेटिंग कर रखी है उसके मुताबिक लाइन स्पेस मुझे मिल रहा है। या पैराग्राफ मैं टू पे सेट कर लूँ तो देखें इन लाइनों में वक्फा का सारा आ गया, लेकिन नीचे वाले पे इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो मैंने सेलेक्ट नहीं कर रखा था। अब आ जाते हैं यहाँ पे के वर्किंग रिजल्ट है मेरे पास। ये लाइन स्पेस के अलावा लाइन स्पेस ऑप्शन भी हैं। लाइन स्पेस ऑप्शन में क्या जी कि मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, अलाइनमेंट है जो पीछे ये कमांड जो पड़ी हैं, अब ये डायलॉग बॉक्स के अंदर भी मौजूद हैं, आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद जी यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है, मैं जहाँ भी ये क्लिक करूँगा लेफ्ट टू राइट है, ये है कि राइट टू लेफ्ट, वो देखें राइट साइड बराबर होगी, लेफ्ट आगे पीछे हो गई है। ये टाइप करने का अंदाज, आम तौर पे इंग्लिश टाइप कर हम करते हैं लेफ्ट टू राइट, जबकि उर्दू जो है वो राइट टू लेफ्ट हम टाइप करते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ शेड हैं, शेडिंग कलर्स हैं, इन पे जिस कलर को मैं सेलेक्ट करूँगा वो शेड हो जाएगा जी। मैं क्लिक करूँगा तो वो शेडिंग दे दी है उसने। इसके अलावा जी यहाँ पे मेरे पास ये बॉर्डर एंड शेडिंग है, ये बॉर्डर एंड शेड पे मैं चला जाऊँगा तो सिस्टम मुझे सहूलत दे रहा है जी, बताएं किस टाइप का शेड लगाना है। यहाँ पे स्टाइल है, मैं बता देता हूँ उसे, वो मुझसे कलर स्कीम भी पूछ रहा है, मैं कलर स्कीम भी बता देता हूँ। यहाँ वो कहता है जी कितनी आप विड्थ चाहते हैं लाइंस की, तो वो उसके हिसाब से भी यूं ही मैं ओके करूँगा तो देखें मेरे पैराग्राफ के इर्द गिर्द वो उसी कलर का, उसी स्टाइल का बॉर्डर लग गया। यहाँ पे अब मैं क्लिक करूँगा तो देखें बॉर्डर लाइन, नीचे वाली लाइन ख़त्म हो गई। ये चीज़ अब आप देख सकते हैं, ये मेरे पास जो पैटर्न ऊपर वाला बॉर्डर ऊपर वाली लाइन पे है, लेफ्ट साइड वाला ख़त्म करना, राइट साइड वाला ख़त्म करना, नो बॉर्डर है जिस पे आप क्लिक, ऑल बॉर्डर है फिर लग जाएगा, तो जिस पे आप क्लिक करेंगे सिस्टम जो है उसके हिसाब से आपको
बॉर्डर की सहूलत दे देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर चल जाते हैं और यहाँ पे आप देखें कि टैब हैं, एक अकेली बॉर्डर है, एक पेज बॉर्डर है। पेज बॉर्डर में क्या है जी कि मैं यहाँ पे अगर सेलेक्ट कर लूँ कोई भी स्टाइल, जो भी लगाना चाहूँ, जो भी कलर स्कीम देना चाहूँ अपनी मर्जी ज़रूरत के तहत, तो सिस्टम जो है पेज बॉर्डर लगा देगा। मैंने ग्रीन चूज़ किया तो पूरे पेज पे देखें वही स्टाइल लग गया है, पूरा पेज जो है। यहाँ से मैं इसे प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, ये आप कंट्रोल F2 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखें प्रिंट प्रीव्यू के अंदर वो पूरे पेज पे आप बॉर्डर देख सकते हैं। यहाँ से मैं बैक चला जाऊँगा ताकि स्क्रीन पे वापस पहुँचूँ। तो यहाँ पे दो कमांड पैराग्राफ के अंदर मैंने स्किप की है, एक है सॉर्ट। सॉर्ट के अंदर ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर कोई ना कोई डिजिट्स नज़र आए, जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो आप देखें पैराग्राफ ही सॉर्ट वो करता है, तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगा। वजह या रीज़न क्या है कि कैलकुलेशन मुझे चाहिए सॉर्टिंग के लिए। ये कमांड मैं फ़िलहाल छोड़ के जा रहा हूँ, जब टेबल कमांड हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको अरेंज करने का तरीका बताऊँगा कि किस तरीके से आप डाटे को एक टेबल में, अगर आप देखें सॉर्ट कमांड की डिस्क्रिप्शन में वो डाटा इन्हें टेबल का इशारा कर रहा है जी कि पहले टेबल आप बनाएं तो तब ये कमांड इफेक्ट आएगी, टेक्स्ट पे नहीं आनी। तो दूसरी एक और कमांड वो है शो हाइड कंट्रोल प्लस स्टैटिक साइंस। अब शो हाइड में क्या है जी कि आप देखें कि जहाँ जहाँ मैंने स्पेस एंटर की प्रेस किया, ये आप एंटर का साइन देखेंगे, एंटर का साइन देखेंगे, जिधर मैंने स्पेस बार प्रेस किया है वहाँ डॉट। लेकिन ये याद रहे कि ये चीज़ें सिर्फ स्क्रीन इफेक्ट हैं, ये इनका प्रिंटिंग से कोई तलग नहीं। यहाँ मैं फिर प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहूँगा तो आप गौर करें कि यहाँ पे सिस्टम ने नहीं वो साइंस शो हाइड है सिंबल, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि किधर किधर आपने एंटर की प्रेस की है। जैसे ये मैंने एंटर की प्रेस की हुई, मैं अगर डिलीट करूँ तो नीचे वाली एंटर की वो देखें डिलीट हो गई है। यहाँ मैं अगर यहाँ पे डिलीट करूँ तो ये एंटर वाली ये हिस्सा शो कर रहा है जी कि आप यहाँ से नीचे एंटर की प्रेस करके गए हैं, ये सिंबल। ये सेम वो ऊपर भी बना हुआ है, ये आपको पैराग्राफ के मतलब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर स्क्रीन से भी ये हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यही कमांड सारी जो हैं एक डायलॉग बॉक्स में भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने इकट्ठी कर दी हुई हैं। जैसे यहाँ मैं पैराग्राफ सेटिंग पे जाऊँगा तो देखें मेरे पास वो सारा पैराग्राफिंग, लाइन स्पेसिंग, ये सारी सहूलत जो है यहाँ पे मुझे मिल रही है कि किस तरीके से मैं स्पेसिंग कर सकता हूँ, लाइन वर्किंग रिजल्ट्स ले सकता हूँ। लाइन स्पेस है, लाइन स्पेस अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ। ये डायलॉग बॉक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप सारी कमांड्स को सेट करके जस्ट ओके करेंगे तो सब का इफेक्ट फौरन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आइकॉन इफेक्ट जो हैं वो सिर्फ़ एक एक करके आप देख पाएंगे जी। ये मेरा जी पैराग्राफ के पिछले लेक्चर के अंदर मैंने फाउंट के आइकॉन कमांड्स बताई, इस लेक्चर में मैंने पैराग्राफ आइकॉन कमांड जो हैं सामने स्क्रीन इंटरफेस पर नज़र आ रही हैं उनके बारे में मैंशन किया है। तो आज का लेक्चर जी फ़िलहाल इतना ही है जी, अल्लाह हाफिज़।